Hi guys, welcome back to my channel. So, आज we are heading towards doctor. इनी का solid, इनी is already 5 months old and इसके solids के बारे में we had to discuss with the doctor. तो हम वहीं जा रहे हैं. But look at the weather. इतना एकदम से तूफान आ गया. अभी धूप निकली थी and अभी एकदम से इतना तेज तूफान आ गया है. देखो. सब उड़ रहा है. ये देखो बहुत तेज तूफान आ रहा है. यहाँ तो पेड़ों की ओट हो रही है तो थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट इतना तेज तूफान आ रहा है ना, एकदम से ही आ गया. ये देखो सब पत्ते उड़ रहे हैं. बाय द वे, हम जा रहे हैं सेम हॉस्पिटल में जहाँ इनी का बर्थ हुआ था एंड सेम पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हैं बिकॉज ही इज टू गुड. तो या देखिए कैसे पेड़ हिल रहे हैं, इतना तेज तूफान आ रहा है ना. इस वक्त ना बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है. मुझे नहीं पता कितना आप लोग कैमरे में देख पा रहे हो, बट इस टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. अराउंड दोपहर के 12:30-1 बजे का टाइम है और स्कूल की भी छुट्टी हुई है, बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं एंड ऐसा सा मौसम हो गया है. बारिश भी तेज़ हो गई है, एकदम से ही मौसम पलट गया. सो हुआ ये, बारिश इतनी तेज़ हो गई कि हम हॉस्पिटल के गेट के पास थे एंड वहाँ से वी आर गोइंग बैक बिकॉज पॉसिबल नहीं लग रहा है अंदर भी जाना बिकॉज बच्चा छोटा है. मैं नहीं चाहती वो बिल्कुल भी भीगे, तो हम वापस जा रहे हैं. बारिश दिखाती हूँ आपको कितनी तेज हो गई है. विद इन 5 मिनट्स इतना मौसम खराब हो गया ना कि पूछो मत. ये देखो इतनी तेज बारिश हो रही है ना, बहुत ही तेज बारिश हो रही है. तूफान भी बहुत चल रहा है. पेड़ गिर गया. ओहो नहीं, थोड़ी जगह आऊंगी साइड पे, पर है ही नहीं. ओह माय गॉड, आप देखिए रास्ता एकदम ऊपर जाना पड़ेगा लगता है. ओह माय गॉड, देखो हम फंस भी गए यहाँ पे. इतना तेज तूफान आया है कि पेड़ गिर गया है. बाप रे, उधर साइड से जगह है क्या? नहीं है सही से जगह है. ये खम्भों में अपनी निकलेगी गाड़ी, पता नहीं. ये देखो पेड़ भी गिर गया. हद ही तूफान आ गया भाई. हम घुमा के दूसरे दूसरे रास्ते से जा रहे हैं. विजिबिलिटी भी इतनी ज्यादा कम हो गई है ना, हवा से उड़ उड़ कर बारिश आ रही है. हम तो वापस जा रहे हैं. आई थिंक अब नेक्स्ट वीक पे बारिश जाएगी. पर कैमरा पे विजिबिलिटी बेटर लगती है यार. तो हाँ, आई वैसे तो आई नहीं पता. हाँ, इतनी ज्यादा विजिबिलिटी कम है ना, पता नहीं कैमरे में थोड़ी सी बेटर आ रही है, बट सीरियसली बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है. ऐसे उड़ उड़ कर आ रहा है ना सब कुछ, और इतना रिस्की हुआ पड़ा है कि पेड़ वेड़ गिर रहे हैं. जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं. ओह माय गॉड, एक और पेड़ गिरा. हाथी हो यार, इतने पेड़ गिर गए भैया रास्ते में. गाड़ी में तो पता ही नहीं चला. हाँ, इतनी ओ भाई साहब, ये भी गिरा हुआ है, वो भी गिरा हुआ है एक. ये देखो यार, ये लाइन पे गिरे पड़े हैं. ओह माय गॉड, लाइन. ओ शिट. ओ भाई, वहाँ आगे एक और है. बीच में तो नहीं जा रहा है. इधर भी गिरा हुआ है, इधर भी गिरा सा है, छोटा सा. नहीं चढ़ा. ये देखो, ओ माय गॉड, ये तो आगे एक और लाइन से ही 5-7 पेड़ गिरे हैं. इतना तेज पता नहीं चला यार गाड़ी में. लग तो रहा था मुझे वहां पे कितनी तेज लग रहा था, बट इतनी तेज इतनी लाइन से पेड़ गिरे होंगे एकदम से. सो वी आर बैक. सॉरी फैन चल रहा है. उठने में थोड़ा सा आलस आ रहा है मुझे. रास्ते में इतने सारे पेड़ गिरे मिले. थोड़े से मैंने कैप्चर किए, थोड़े मैंने नहीं कैप्चर किए. एंड बाइक्स, साइकिल तो फिर भी ऑब्वियस है इतने तूफान में गिरना, बट बाइक्स गिरी हुई हैं भारी भारी. मतलब हद ही तूफान आया है, मतलब खतरनाक तूफान आया है आज. एंड हुआ ये कि अब हम घर पहुंचे ना, तो बारिश थोड़ी सी रुक गई है. एंड मैंने नीचे देखा बालकनी से, बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल. मतलब इतनी रुक गई है कि बच्चे खेल रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा तूफान आया है. देखते हैं, डॉक्टर जो है वो 4 बजे तक बैठता है, एल्स नेक्स्ट वीकेंड पे बात चली जाएगी बिकॉज वीकडे पे अभिषेक इज़ वेरी बिजी, तो वो टाइम नहीं मिल पाता है. तो लेट्स सी, देखते हैं. अगर पॉसिबल हुआ लंच करके तो हम लंच करके जाएंगे बिकॉज नाउ शी इज़ 5 मंथ ओल्ड. तो हम थोड़ी सी गाइडेंस चाह रहे हैं कि उसको क्या देना है. ऑल्दो मैंने पूरी रिसर्च कर रखी है ऑलरेडी, बट फिर भी डॉक्टर से एक हेड्स अप हम चाह रहे हैं. तो या सो हाय अगेन गाइस.
तो अभी लंच वगैरह करके वी आर अगेन गोइंग टू द डॉक्टर बिकॉज वही नहीं तो अगले वीकेंड पे बात चली जाएगी. तो क्या चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं एंड बाहर देखते हैं कैसी हालत है, क्योंकि उस टाइम तो बहुत मतलब इट वॉज जस्ट द गेम ऑफ वन आवर. मतलब एक घंटे में इतनी तबाही हो गई, इतना ज़्यादा तूफान आया है कि मतलब हद ही तूफान आया है. तो अब देखते हैं, पेड़ वेड़ तो काफ़ी गिरे हुए हैं अब, या तूफान बट रुक गया है. सो गाइस ये देखिए अब क्या कंडीशन है, मतलब पेड़ वेड़ तो गिरे हुए हैं बट ठीक है, बारिश ठीक है, मौसम प्लेजेंट हो गया आई थिंक काफ़ी. तो हाय अगेन गाइस, तो अभी हम लोग आ गए थे मॉल एंड इनिया चेकअप वगैरह करवा लिया था. तो डॉक्टर ने बोला है कि 10-15 days वी शुड वेट बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट. सो राइट नाउ इन स्लीपिंग एंड मॉल आ गए थे थोड़े बहुत ऐसे आउटिंग के लिए भी एंड थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, तो दैट इज़ वाई अभी देखते हैं आगे.